अज सिंह साहब के नाल लंबी मीटिंगा चलिया और तकरीबन डेढ़ दो घंटे और असी जिहड़े मसले कुछ असी भेजे से उन्होंने फैसले नहीं हो रहे थे और सानू इंज लगता सीगा कि पक्षपात किया जा रहा है। मैं ये समझदा वा कि सिंह साहब ने आश्वासन दिता कि जिहड़े सिद्धांतक गल्लां ने उन्होंने उत्ते जरूर फैसले लए जाणगे, जिहड़ियां कोई सियासी शिकायतां आ रही ने उहदा अकाल तख्त उसते अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, लेकिन जिहड़ियां कोई सिद्धांतक गल्लां ने उस दे उत्ते जरूर फैसले लए जाणगे और पंथक रवायतां दे हिसाब नाल फैसले लए जाणगे। सार चमन सिंह जी अज आए सीगे साडे दिल्ली दे प्रधान, सरसा साहब ताश खेडते हुए शराब दी उत्थे पैग पए ने टेबल दे उत्ते, सरसा साहब उहदे शमूलियत करते पए ने, उन्हां दी शिकायत दे के गए ने। इस तों इलावा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब नूं वरत्या जिहड़ा मेरे खिलाफ़ पिछले साल इन्हां ने जनरल हाउस बुलाया और मेरी मैंबरी खारिज करन दा झूठा प्रपंच लड़े रचिया, उहदी भी शिकायत असीं अज इन्हां नूं दित्ती है इत्थे। और मैं समझदा वां कि सिंह साहब ने भी इस गल दा नोटिस लिया है कि गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च जिहड़ी एक्ट तो बाहर जाके गल्लां कीतियां गईयां ने इह गलत सीगियां, उहदा नोटिस लिता जाएगा। हाँ, मैं सरदार मनजीत सिंह जी के उन्होंने जी पार्टी नाल कुछ रिलेटड जोड़े है सिख जोड़े है वो श्री अकाल तख्त साहब से आए थे तो उन्होंने कुछ मसले रखे है उन्होंने विचार कर उन्होंने कहा जी जो उन्होंने पार्टी वालों आए थे अज उन्होंने कुछ मंग पत्र दिता अभी विचार करा काफ़ी गल्लां बातें जरूर करा। ठीक है।